हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट टू लेके आए हैं। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब ये कैसे होता है, उसका कॉज क्या है, इस इफेक्ट से क्या क्या फिनोमिना होते हैं, मतलब सम नेचुरल फिनोमिना या फिर सम ऑप्टिकल फिनोमिना जो हमारे इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो वो कौन कौन से हमारे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एपरेंट स्टार पोजीशन, इसको हम बोलते हैं, बोल भी सकते हैं कि मतलब स्टार की जो पोजीशन है वो हमारी एक्चुअली मतलब हायर दिखते हैं हमें, पर होते वो नीचे हैं, मतलब रियल पोजीशन से हम एक्चुअली वो हायर दिखते हैं। तो इसके अंदर वो आएगा हमारा पार्ट, एंड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो दीज वर थ्री टॉपिक्स दैट वी कवर इन टूडेज क्लास, मीन्स पार्ट टू ऑफ ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये तो मैं कुछ और भी वीडियो सजेस्ट करनी है तो मुझे कमेंट सेशन में बता देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। So what do you mean by atmospheric refraction? So atmospheric refraction, first we define it, okay, let's see. The refraction of light by the earth atmosphere due to the variation in optical density of various layers of earth resulting in variation of refractive index of the atmosphere. मतलब atmospheric refraction हमारा क्यों होता है, इसलिए होता है जो हमारी earth की different layers हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज हैं, उसकी वजह से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा। और हम ये पढ़ चुके, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर आती है, जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर आती है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंट करती है, जैसे हमारा नॉर्मल है तो इसके टुवर्ड्स बेंट करेगी। और जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, तो वो नॉर्मल से अवे जाती है। तो ये सब फिनोमिना का मेन रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हमारा इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे लगता है, बिकॉज डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं। तो वो कैसा होता है, लेट्स सी। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इज ऑप्टिकली डेंसर एट द बॉटम व्हाइल इट इज रेयर एट द टॉप। मतलब जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो नीचे से डेंसर है, नीचे वाली जो उसकी लेयर्स है वो डेंसर है, और जो ऊपर क्या है वो हमारा रेयर मीडियम है। एक बार इसका दोबारा से कॉज देखते हैं क्यों होता है ऐसा, बिकॉज हमें पता है कि हॉट एयर जो ऑप्टिकली रेयर होती है हमारी वो राइज करती है, हॉट एयर राइजेज अप। तो क्या होगा, जो हॉट एयर ऊपर जाएगी तो जो रेयर मीडियम है क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो कूल एयर है हमारी वो क्या है, वो नीचे की तरफ आ रही है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास नीचे अर्थ के नीचे एटमॉस्फेयर पे हमारा डेंस हो गया और ऊपर हॉट एयर जाए तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा रेयर मीडियम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, मतलब ये मूवमेंट ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, जिसकी वजह से हमारा डेंसिटी जो हमारी अर्थ की है वो टुवर्ड्स द सरफेस क्या होती है, हमारी हाई होती है, और जैसे हम सरफेस के ऊपर जाते रहेंगे तो हमारी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। तो हैंस हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऊपर वाला लो होगा और नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा हाई होगा, मतलब डेंसर होगा नीचे और रेयर होगा ऊपर। सो जो अरेंजमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी वो टेम्परेचर डिपेंड करती है, तो याद रखने वाला पॉइंट ये तुम्हारा पैराग्राफ है, फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है तो उसको याद रखना। सो अब पढ़ते हैं फिनोमेना कौन कौन से। तो पहला फिनोमेना क्या है हमारा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकलिंग मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब स्टार का टमटमाना, हिंदी में बोले तो चमचमाना टमटमाना, उसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ये भी किसकी वजह से होता है हमारे पास, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। देखो स्टार हमारे क्या होते हैं, अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, ये लाइट अपनी खुद एमिट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टार लाइट। तो एक जो स्टार लाइट है उस पर हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग होती है। क्यों होती है, लाइट्स एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर इज एबल टू कॉज वेरिएशन इन द लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट साइड स्टार बिकॉज ऑफ विच द स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। मतलब हम क्या बोलते हैं, जो हमारी स्टार लाइट स्मॉल पॉइंट साइज है, बिकॉज अर्थ से हमारा बहुत दूर है ये, तो वहां से जब लाइट आती है तो वो इतना मल्टीपल रिफ्रैक्शन इस पर आ रही है, फिर एक टाइम पे इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से मतलब हमें वो डिम लाइट दिखती है। असली में स्टार अपनी लाइट खुद एमिट कर रहा है, बस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, हमें वो कभी कभी ब्राइट दिख रहा है, कभी कभी हमें वो डिम दिख रहा है। पर एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार तो ट्विंकल करते हैं बट हमारे प्लैनेट नहीं करते, इसका रीजन क्या है, स्टार का एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा अर्थ से बहुत दूर है ये, और हमारा प्लैनेट क्या है, अर्थ के मतलब ये क्लोज है, तो ये बिग साइज ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको हम। देखो इस पर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लग रहा है, इस पर हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लग रहा है, बट बीइंग अ लार्ज साइज, यदि इतना सा पार्ट यदि इसका एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कर रहा है तो हमें पूरा जो पूरा पार्ट है उस पर हमारे कंपनसेट हो जाएगा, मतलब इतने से पार्ट को हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिग साइज ऑब्जेक्ट, पर इतना से स्टार है दूर है बहुत ज्यादा, जब यहाँ से भी लाइट हमारी थोड़ी बहुत हल्का सा भी डिफरेंस होगा तो हमें उसकी ब्राइटनेस और उसकी मतलब जहाँ पे वो डिम हो रहा है हमें पता चल जाएगा। हमारा प्लेनेट ट्विंकल नहीं करते, बिकॉज प्लेनेट का क्या जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, जो हमारा इसकी बात कर रहा हूँ मैं,
ये हमारा इस इतने पोजीशन में ट्विंकल कर रहा है, बट इतने बड़े प्लैनेट होने के नाते हम इसको पता नहीं लगा पाते कि मतलब ये हमारा ट्विंकलिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बिग साइज ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट लार्ज साइज है ना, तो वो ट्विंकल नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, एपरेंट स्टार पोजिशन। एपरेंट मतलब क्या होता है कि असली में स्टार वहाँ नहीं है, हमें दिखता कहीं और है, ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आर, तो ये भी इसका मतलब एक ही बात है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जैसे डिफाइन पढ़ लेते हैं एक बार। स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजिशन एज द स्टार लाइट अंडरगोज कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन इन एटमोसफेयर या फिर इन अर्थ एटमोसफेयर। मतलब जो रिफ्रैक्शन कॉज होते हैं हमारे एटमोसफेयर में, उसके हम बात करें कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट की पोजिशन दिखती है हमें स्टार की। द एटमोसफेयर बैंड स्टार लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल, हमें पता है कि जैसे कि हम ऊपर क्या है हमारे पास रेयर मीडियम है, नीचे क्या है डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंसर आएगा तो नॉर्मल की तरफ बैंड करती रहेगी लाइट हमारी, तो वही देखो इसके अंदर जैसे ये हमारी एक्चुअल पोजिशन स्टार की, एज आई मेंशन एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टार, जैसे ही एटमोसफेयर के अंदर एंटर करेगी तो नॉर्मल के अंदर बैंड करेगी, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो हमें क्या लगेगा स्टार असली में कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, तो इसकी पोजिशन देखो इंक्रीज हो गई, तो हमें स्टार का लगेगा ऊपर है, पर असली में स्टार की पोजिशन क्या यहाँ पे है, तो किसकी वजह से हुआ है एटमोसफेयरिक रिफ्रैक्शन। देखो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमोसफेयर रिफ्रैक्शन, हमने पढ़ा है जब कभी लाइट हमारी रेयर से डेंसर आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है ना, ये हमें पढ़ा होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करती है जब भी लाइट हमारी रेयर से डेंसर आती है ना। सो नेक्स्ट अप वी हैव एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देखो एडवांस सनराइज मतलब क्या होता है कि मतलब अभी वो सनराइज हुआ नहीं है पर हमें सनराइज दिख जाएगा। डिले सनसेट मतलब क्या है, सनसेट हो चुका है पर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें वो लगेगा सनसेट अभी हुआ नहीं है। तो इन दोनों में 2-2 मिनट का फर्क होता है, तो कितना इंक्रीज हो गया हमारे पास 4 मिनट, जो हम इसके अंदर अभी बताएंगे, भी ध्यान रखना 2 मिनट्स फॉर एडवांस सनराइज एंड 2 मिनट्स फॉर डिले सनसेट। देखो वी सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो 2 मिनट या 2 मिनट है, टोटल कितना होगा 4 मिनट का डिफरेंस हो गया। टाइम फ्रॉम सनराइज सनसेट इज लेंथेंड बाय अबाउट 2+2 4 मिनट्स बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो पेपर में ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा क्या है, सिर्फ एडवांस सनराइज का पूछा था उसका 2 मिनट आंसर आएगा, तो पूरा टोटल में याद रखना 4 होता है, 2 सनराइज का 2 सनसेट का याद रखना। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वही सेम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसे सपोज हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हॉरिजॉन से नीचे है, ठीक है, जैसे लाइट आएगी हमारे सन की लाइट तो क्या होगा नॉर्मल तरफ बेंड करती रहेगी, वो हमें पता है कि यहाँ पे रेयर मीडियम है, जैसे मर्चे क्लोज जाएंगे डेंसर मीडियम होता रहेगा, सो रेयर से डेंसर क्या होता है नॉर्मल तरफ बेंड करती रहेगी, बेंड करी ऑब्जर्वर यहाँ पे हमारा, तो हमें क्या लगेगा असली में सन इज हेयर, तो ये सनसेट हो चुका है पर हमें क्या लगेगा ये अभी इधर है, तो ये गैप कितने का, दिस इज योर 2 मिनट्स गैप जो हमें इसके अंदर मतलब सनसेट में सेम फिनोमिना हमारे यहाँ पे लगेगा, ये सेम फिनोमिना इस तरफ होगा भाई, सेम ये लाइट आएगी हमारे यहाँ बेंड करेगी हमें लगेगा यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 मिनट का फर्क यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 मिनट दैट इज 4 मिनट्स। तो हम कैसे पढ़ सकते हैं कि हमने क्या क्या जस्ट आज डिस्कस किया, वी हैव टॉक अबाउट द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसलिए होता है हमारा बिकॉज हॉट एयर राइजेज अप, हॉट एयर क्या होती है हमारी रेयर मीडियम होती है, वो हमारी अप ऊपर जाएगी, हमारा जो डेंसर मीडियम मतलब कूल एयर है वो हमारी नीचे आएगी, याद रखना कूल एयर इज डेंसर हॉट एयर इज रेयर, तो हमारी नीचे की तरफ क्या हो जाएगा डेंस हो जाएगा, ऊपर की तरफ क्या होगा रेयर मीडियम हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेक प्लेस होता है, फिर कॉज बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का। नेक्स्ट अब इसकी वो हमने तीन डिस्कस करे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, नेक्स्ट पढ़ा हमने एपरेंट स्टार पोजीशन, नेक्स्ट पढ़ा मैंने अर्ली सनराइज या फिर एडवांस सनराइज बोल सकते हो तुम उसको, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, सब में क्या सबका फिनोमिना क्या है हमारे पास, सबका फिनोमिना क्या है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, याद रखना पूछ सकते हैं पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, स्टार का चमचमाना मतलब एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, उससे जब लाइट आएगी वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कॉज होगी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो हमें क्या लगेगा वो स्टार हमारा ट्विंकलिंग कर रहा है, पर असली में मतलब बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हमें लगता है वो ट्विंकलिंग कर रहा है, पर असली में क्या अपनी स्टार वो लाइट एमिट कर रहा है, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन वजह से मतलब वो उतनी कॉज होगा उसके अंदर कि हमें लगेगा वो ट्विंकलिंग कर रहा है, ठीक है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है और अर्थ से वो क्लोज भी है, तो हल्का सा पार्ट का करेगा भी तो हमें इसका मतलब पूरा टोटल से फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो बड़ी साइज है। नेक्स्ट अब वी हैव एपरेंट स्टार पोजीशन, एपरेंट स्टार पोजीशन क्या है, हमें स्टार लगेगा मतलब यहाँ स्टार असली में यहाँ पे है, ठीक है, पर हमें क्या लगेगा बिकॉज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जैसे हम अर्थ के क्लोज आएंगे तो हमारा नीचे का डेंसर मीडियम नॉर्मल तरफ बेंड होगा, तो हमें क्या लगेगा वो कहाँ पे स्टार हमारा यहाँ पे है, दिस इज योर एपरेंट पोजीशन स्टार की। अर्ली सनराइज डिले सनसेट मतलब या फिर एडवांस सनराइज डिले सनसेट का मतलब क्या होता है, वही सेम ये हमारा ऑब्जर्वर यदि यहाँ पे खड़ा है हमारा अर्थ के इधर और ये सनसेट हो चुका है पर हमें क्या लगेगा वो
असली में सनसेट अभी नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ ये एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स अ नॉर्मल। ठीक है, तो तीन चीज़ में याद रखना जब भी तुम्हारा आंसर आए, एक तो एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन होगा इन सबका आंसर, सब में मतलब कोई भी पूछे डिफाइन दिस वाई दिस वाई दिस, मतलब वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हैपन, वाई अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, ये सब वाई कहीं पे वाई आ जाए, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो एक पॉइंट तुम्हारा एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन का बनेगा और एक पॉइंट तुम्हारा फिर तुम्हें ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर, डायग्राम इज मस्ट इन दिस। ठीक है, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करोगे तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और मतलब अच्छा तुम्हारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर दिस क्लास। अगर तुम्हें कोई डाउट्स है, कोई भी तुम्हें सजेशन देना है कि अगली वीडियो किस पे बनाऊं, तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर इट। इसका पार्ट थ्री भी आने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन दोनों से मतलब आई एम डैम श्योर एक साइड में तुम्हारा ये पूछेंगे, एक साइड में तुम्हारा वो पूछेंगे, और MCQ इससे मस्ट आ सकता है, और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो मतलब कैसे आ सकता है, मतलब दे देंगे, मतलब एक बच्चा खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मतलब सनराइज सनसेट के बारे में क्वेश्चन पूछ के बोल देंगे कि कितना डिले होता है सनसेट में, टोटल टाइम कितना इम्प्रूव हो, कितना इंक्रीज हो गया, कौन से फिनोमेना में बेस्ड है। तो बच्चे भाग के ना सिर्फ रिफ्रैक्शन मार्क कर देते हैं, बट इट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, याद रखना। ठीक है, सिर्फ रिफ्रैक्शन तो है ही मतलब ये, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट याद रखना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, स्टे ट्यून फॉर पार्ट 3। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।